जानना चाहते हैं आपको आजादी किससे चाहिए। अरे आपको आजादी किससे चाहिए, किससे आजादी चाहिए आपको? देश के विरुद्ध युद्ध छेड़ने की ये सोच क्या अभिव्यक्ति की आजादी हो सकती है? क्या आंदोलन जैसे पवित्र शब्द के नाम पर देश की राजधानी को बंधक बनाना आजादी हो सकता है? क्या सड़क घेर कर हजारों लाखों लोगों को परेशान करना आजादी का परिचायक है? क्या आज से बरसों पहले बापू ने इसी आजादी का सपना देखा था? मैं हूं अमित प्रकाश और मैं आपको बताऊंगा कि संविधान का अनुच्छेद 19 क्या कहता है। मैं हूं जितेंद्र शर्मा। आजादी के नाम पर खुली गुंडागर्दी को सही ठहराने वाली सोशल मीडिया की ये भीड़ आखिर किस साजिश का हिस्सा है? अभिव्यक्ति की आजादी या फ्रीडम ऑफ स्पीच जब देश विरोध की शक्ल ले लेती है तो मंशा साफ दिखाई देती है कि यह संयोग नहीं प्रयोग है। हमारी जिम्मेदारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर देश में गुंडागर्दी और मन मर्जी की इजाजत नहीं मिल सकती है। संसद में किसान बिल के विरोध में हंगामा शोर शराबा पूरे देश ने देखा। लेकिन इसी कानून के विरोध में आर्टिकल 19 से मिले अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए देश में क्या क्या हुआ, जरा एक नमूना दें। लोकतांत्रिक तरीके से जनता के समर्थन से लगातार दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी के लिए, देश के सबसे बड़े नेता के लिए कैमरों के सामने गाया गया ये मृत्यु गीत क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो सकता है? अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। आजाद भारत के आजाद नागरिकों ने आजादी के नाम पर भारतीय गणतंत्र के सबसे बड़े दिन यानी 26 जनवरी को क्या किया? आजादी के नाम पर, प्रदर्शन के अधिकार के नाम पर, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर भारत की आजादी के प्रतीक तिरंगे का अपमान किया गया। तारीख 15 अगस्त 1947 भारत की आजादी के इतिहास में दर्ज वो पन्ना जिस पर हर भारतीय हमेशा गर्व करता है। हर 15 अगस्त को हर साल देश के प्रधानमंत्री लाल किले से राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। वो दिन होता है हमारे गर्व का, गुमान का। वो दिन होता है अपने उन वीरों को याद करने का जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी और अपने साहस, शौर्य और धैर्य से इस देश को आजादी दिलाई। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उसी आजादी के नाम पर आजादी के उस प्रतीक का अपमान किया गया। 26 जनवरी 2021 को
किसानों की शक्ल में आए गुंडे और उन्होंने उस प्रतीक को तार तार किया, उसका अपमान किया और किसान आंदोलन के नाम पर वहां तांडव रचा गया। आजाद भारत के इन आजाद बाशिंदों ने देश की राजधानी दिल्ली में जमकर तोड़फोड़ मचाई। कानून की हिफाजत करने वाले पुलिस वालों को बुरी तरह पीटा गया। और ये सब कुछ आंदोलन की आजादी के नाम। दिल्ली में उत्पात मचाने वाली इस हिंसक भीड़ के कुछ नेता भी हैं। जो आंदोलन की आजादी के नाम पर पहले लोगों को दिल्ली बुलाते हैं। सरकार माननी नहीं, ज्यादा कैडी पेड़ दी सरकार, अपना ले आइयो झंडा झुंडा भी लगाना, लाठी गोती भी साथ रख यो अपनी झंडा लगाने के लिए, समझ जाइयो सारी बात, ठीक है। झंडा लगागा तिरंगा भी झंडा वैसा भी लगा लियो उस पर, और आ जाओ बस, अब बहुत बोल दिया। और फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करके उनको भड़काते हैं। कमर खोल के सुन लो, कान खोल के, बक्कर तार दे जा रहे हैं, पुलिस पर तार डाल के। इसके बाद 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च के नाम पर खुली गुंडागर्दी और उपद्रव किया गया। किसानों के भेष में लाल किले पर पहुंचे खालिस्तानी गैंग ने लाल किला पर धार्मिक झंडा लहरा दिया। लाल किले को तहस नहस करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दिल्ली को बंधक बना लिया गया। देखिए जी न्यूज के रिपोर्टर के साथ कैसा बर्ताव किया गया। इस भीड़ से घिरे हुए ये जी मीडिया संवाददाता जितेंद्र शर्मा है, जिनके साथ इसलिए बदसलूकी की जा रही है क्योंकि वो सच्चाई बताने की कोशिश कर रहे हैं। महात्मा गांधी के अहिंसक आंदोलन की बदौलत सालों बाद भारत को अंग्रेजों से आजादी मिली थी, लेकिन इस आजादी के बाद आंदोलन का स्वरूप ही बदल गया। अहिंसा की जगह हिंसा ने ले ली और साथ ही क्रांतिकारी नारों की जगह अब देश को तोड़ने वाले जहरीले नारे लगने लगे। इन आंदोलन जीवियों को इस बात का तो पता था कि कैसे दूसरों की अभिव्यक्ति की आजादी को कुचला जाए और खुद की अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर शोर मचाया जाए। देश आंदोलन जीवी लोगों से बचे, इसके लिए हम सबको, और ये उनकी ताकत, उनका क्या है, खुद खड़ा नहीं कर सकते चीजें, किसी की चल रही तो जाके बैठ जाते हैं, वो अपना जितने दिन चले चल जाता है उनका। ऐसे लोगों को पहचानने की बहुत आवश्यकता है। ये सारे आंदोलन जीवी परजीवी होते हैं। इस आंदोलन का खामियाजा लाखों लोगों को भुगतना पड़ रहा है। स्थिति इतनी खराब है कि इस आंदोलन से पीड़ित लोग आंदोलन को खत्म करवाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। सड़कें बंद होने से लोग परेशान, वहीं सड़क रोक कर बैठे आंदोलनकारी सड़कों पर मौजूद टेंट में एसी की हवा में आराम कर रहे हैं। आंदोलन के नाम पर ये आजादी लाखों लोगों की जिंदगी पर भारी है। जो ट्रैफिक है, जो लोग हैं, वो सभी परेशान हैं।
मैं यहाँ के जितना भी इंडस्ट्रियल एरिया था वो विश्व स्तर पर बदनाम हो चुका है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां यहाँ से उठकर जाने लगी हैं। सुबह जाने में 4 घंटे लगते हैं। किसी के घर में कोई बीमार है, हरी बीमारी 100 बात है, घर के अंदर 100 पेशेंट है जो वेंटिलेटर पे रहते हैं। यहाँ स्थानीय लोगों के जीवन बिल्कुल तबाह हो गया, नष्ट हो चुका है। फिलहाल सड़कों को रोककर दिल्ली के 3 बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर, जहाँ इस वक्त मैं खड़ी हूँ, यहाँ पर प्रदर्शन का सिलसिला लगातार इसी तरह से जारी है। सड़कें इसी तरह से बंधक है। सरकार ने किसानों को बातचीत के विकल्प दिए, सरकार ने कुछ साल के लिए कानून होल्ड करने का विकल्प भी दिया, लेकिन तस्वीर आपके सामने है। हालांकि इस दौरान MSP पर रिकॉर्ड खरीद हुई, उसके आंकड़े सामने आए। कोरोना काल में निर्यात के रिकॉर्ड टूटे, उसके भी आंकड़े सामने आए, लेकिन तस्वीर नहीं बदली। और अभिव्यक्ति के आज़ादी के नाम पर सड़कों पर घर और टेंट लगाकर धरने प्रदर्शन करने का ये सिलसिला जारी है। लेकिन क्या इस गुंडागर्दी को आंदोलन का नाम देकर दूसरों की स्वतंत्रता को इस तरह दांव पर लगाया जा सकता? आर्टिकल 19 के नाम पर एक और गैंग काम पर लगा हुआ है। इनके लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच देश के खिलाफ हेट स्पीच बन चुकी है। देश में इस हेट स्पीच के कई पोस्टर बॉय और कई पोस्टर गर्ल। हमारे पास है ऑर्गेनाइज्ड, तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। परमानेंटली नहीं तो कम से कम 1-2 महीने के लिए तो कट कर ही सकते हैं। मतलब इतना मवाद डालो पटरियों पर, रोड पे, उनको हटाने में 1 महीना लगेगा, है कि नहीं? जाए एयरफोर्स से आसाम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। आसाम और इंडिया कट के अलग हो जाए, तभी ये हमारी बात सुनेंगे। मुसलमान नहीं डरता है, हम नहीं डरते हैं आपसे। अमित शाह, मोदी जी, योगी जी, आप सब जितने भी एंटी मुस्लिम इस्लामोफोबिक लोग हैं, जो हम जब अपने वजूद के लिए लड़ते हैं, जब हम अपनी आइडेंटिटी असर्ट करते हैं, तो आपको बुरा लगता है, तो आपको चुभता है, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि हम सड़कों पे उतरेंगे और अपनी आइडेंटिटी, अपने मुस्लिमनेस को लेके उतरेंगे और आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। असम को देश से अलग करने की, भारत के टुकड़े टुकड़े करने की, छीन कर आजादी लेने की, देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने की बात। भारत के संविधान ने किसी को भी इस बात की इजाजत नहीं दी। शाहीन बाग भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर देश विरोधी नारेबाजी की एक प्रयोगशाला बना। आंदोलन के नाम पर यहाँ पर कई महीनों तक सड़कों को रोक कर रखा गया। इस दौरान लोग परेशानी से छटपटाते रहे, लेकिन अपनी आजादी के सामने दूसरों की परेशानी किसी को दिखाई नहीं। जो इनके मन की बात करते उनको मंच मिलता। हम अंदर आके आपसे बात करते हैं, किस लिए? हम तो कह रहे हैं कि हम ना इनके पक्ष में है ना हम इनके विपक्ष में, लेकिन अगर दूसरा पक्ष कोई लेकर आया है और उसको ना अंदर आने दिया जाए, ये फिर किस तरह का लोकतंत्र है? जो सच्ची बात करते थे उनको यहाँ पर घुसने का मौका तक नहीं। बाहर के लोग हैं, ये देश की राजधानी है दिल्ली, लोकतंत्र है। ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का शाहीन बाग मॉडल था, जिसे देश ने देखा और इसके पीछे छिपे एजेंडे को भी समझा। हालांकि आर्टिकल 19 के तहत देश के किसी भी और नागरिक की तरह लोकतंत्र के चौथे स्तंभ यानी मीडिया को भी अपनी बात रखने और कहने की पूरी आजादी है, लेकिन आजादी के नारे लगाने वाले ये लोग मीडिया को ही रोकने की कोशिश करते हैं। खासतौर पे जी न्यूज को, क्योंकि जी न्यूज टुकड़े टुकड़े गैंग को हमेशा से एक्सपोज करता रहा। दूसरों की बोलने की आजादी और अपनी पोल खोलने वाली आवाजों का दम कुछ इस तरह से घोटने की कोशिश की जाती है। इट इज द सेम थिंग दैट यू आर डूइंग मैडम, कि
आतंकियों की जी न्यूज टुकड़े टुकड़े गैंग का असली चरित्र देश के सामने रखता है, और जब देश विरोधी नारे लगाने वाले लोगों के मन की बात नहीं होती तो फिर जी न्यूज की आवाज को दबाने की ही कोशिश की जाती है। जेएनयू के इसी कैंपस में मेरे साथ भी बदसलूकी हुई है। शायद आजादी के मायने ये लोग अपनी तरह से गढ़ते हैं और अपने मतलब के लिए गढ़ते हैं, क्योंकि दूसरों की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी इनके लिए कोई मायने नहीं रखती। आजादी का नारा लगाने वाले ये लोग सिर्फ अपने कॉलेज में नहीं, सड़कों पर भी मीडिया की आजादी पर हमला करने से बाज नहीं आते। शोर मचाकर आवाज दबा दी जाती है, कैमरे के आगे हाथ रख दिया जाता है। दुनिया तक असलियत न पहुंचे इसलिए तस्वीरें कैद करने वाले कैमरों को तोड़ दिया जाता है, खुलकर धमकी दी जाती है। अभिव्यक्ति की आजादी के मायने कैसे बदलते हैं ये हमने बहुत ही ज्यादा करीब से देखा है। देखिए, सोचिए और समझिए, जब इन्हें बोलने की आजादी मिली तो इन्होंने देश के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया, और जब हमने अपने बोलने की आजादी का इस्तेमाल किया तो शोर मचाने लगे। जब हमने सच बात कही तो कैमरे पर हाथ रखकर हमारे बोलने की आजादी को रोकने की कोशिश से शुरू कर दी। सवाल बस यही है कि आर्टिकल 19 से मिले अधिकारों पर यह दोहरा रवैया क्यों? अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर सरकार के खिलाफ, देश के खिलाफ बोलने वालों की फेहरिस्त में कुछ ऐसे भी नाम शामिल हैं जिन्हें बारूदी बुद्धिजीवी कहा जाता है, लेकिन जब जहां जैसे मौका मिलता है इनकी जुबान देश की लोकतांत्रिक सरकारों के खिलाफ जहर उगलती रहती है। फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर राष्ट्र की नीति से अलग इनकी अलग नीति है। इन्हें खुद भी पता है और ये नई पीढ़ी को भी सिखा रही है कि कैसे लोकतांत्रिक सरकारों की मुखालफत की जा सकती है। जब आपके घर में आएंगे NPR लेके, जब आपको अपना नाम पूछेंगे, आपको दूसरा नाम दे दो। हम लोग 5 नाम तय करते हैं, रंगा बिल्ला रखते हैं, या कुंफू कुत्ता रखते हैं। भारत के संविधान के आर्टिकल 19 के तहत फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो अधिकार देश के हर नागरिक को मिला है वो इस देश के हर नागरिक के लिए बराबर है, और ऐसे में इस देश के टुकड़े टुकड़े होंगे ये नारे लगाने वाले, देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने वाले नारे, देश को अलग करने वाले नारे, ये कभी भी कामयाब नहीं होंगे। आप भी इस बात को समझते होंगे कि अपने हित के लिए दूसरे की आजादी को ताक पे रखना या फिर दूसरे की आजादी को रोक के रखना एक बहुत बड़ा गुनाह है। हम उस आजादी की कीमत समझते हैं, खुली हवा में सांस लेने की आजादी की कीमत हम सब जानते हैं, और ऐसे में अगर हम अपनी आजादी का अधिकार जानते हैं तो हमें अपने कर्तव्य भी समझने चाहिए और उसका निर्वाह करना चाहिए। Presenting B News App, available on Google Play and App Store. Download it now.